डेफिनेशन बेटा अपने कि यदि किसी सरल ग्राफ, देखेंगे अपन क्या, यदि किसी सरल ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई के समुच्चय V को दो असंयुक्त समुच्चयों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ग्राफ जी में प्रत्येक कोर समुच्चय वी वन के किसी शीर्ष से समुच्चय वी टू के किसी शीर्ष को संबद्ध करती है, ठीक है। पहली शर्त क्या है इसमें कि जो भी उच्च वी को दो असंयुक्त समुच्चयों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ग्राफ जी में प्रत्येक कोर समुच्चय वी वन के किसी शीर्ष से समुच्चय वी टू के किसी शीर्ष को संबद्ध करती है। तो ग्राफ जी में प्रत्येक कोर समुच्चय वी वन के किसी शीर्ष को समुच्चय वी टू के किसी शीर्ष से संबद्ध करती है, ये चीज मैंने आपको बताई है इसमें। जैसे तो ये कह रहा है बेटा इसमें कि जैसे g बराबर v कॉमा ई आपने ग्राफ लिया और v को दो असंयुक्त समुच्चयों का मतलब क्या है कि v1 इंटरसेक्शन v2 बराबर phi, ठीक है, ये इसकी शर्त है। अब वो कहता है कि ग्राफ g पर जो भी कोर होगी वो समुच्चय v1 के किसी शीर्ष को समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से संबद्ध करेगी, पहली शर्त तो ये है इसकी, ठीक है। आप यहां इसको फर्स्ट दे दो, या फर्स्ट इसमें इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहली शर्त यहां से देंगे, ग्राफ जी में प्रत्येक कोर समुच्चय वी वन के किसी शीर्ष को समुच्चय वी टू के किसी शीर्ष से संबद्ध करती है, और दूसरी शर्त क्या होगी इसकी कि समुच्चय वी वन के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं हो, अभी चित्र नहीं बनाना है आपको, चित्र मैं कहूं जब बनाएंगे अपन, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि समुच्चय v1 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं हो, इसी प्रकार समुच्चय v2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इसकी पहली शर्त, दूसरी शर्त है, ठीक है। तो यदि किसी सरल ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई के समुच्चय वी को दो असंयुक्त समुच्चयों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहला क्या, ग्राफ जी में प्रत्येक कोर, ग्राफ जी में जो भी कोर है वो समुच्चय वी वन के किसी शीर्ष से समुच्चय वी टू के किसी शीर्ष को संबद्ध
करती है। फिर वो कहता है कि वी वन और वी टू दो अलग अलग समुच्चय हैं, तो वी वन के बीच में कोई भी कॉर नहीं होनी चाहिए, वी टू के बीच में भी कोई भी कॉर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। देखो, इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को या सरल ग्राफ को ऐसा लिख लो, इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को, इस प्रकार सरल ग्राफ को द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। अब आप फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, तो लिखो निम्न ग्राफ, पहले चित्र बना लो आप, और चित्र से ऊपर आप लिख लो निम्न ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई, एक द्विखंडी ग्राफ है। निम्न ग्राफ, निम्न ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई एक द्विखंडी ग्राफ है, ठीक है। अब उसने किस तरीके से इनके शीर्ष दिए हैं, जैसे v1, v2, v3, v4 और ये है v5, ठीक है। अब दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपसे वो पूछता है कि द्विखंडी ग्राफ पे टिप्पणी लिखो, तो उस केस में आप पहले ये डेफिनेशन लिखोगे और साथ में फिर एक एग्जाम्पल दोगे। दूसरा जो तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का वो क्या है कि वो एक चित्र दे देंगे आपको और फिर ये पूछेंगे क्या ये दिया गया ग्राफ द्विखंडी ग्राफ है या नहीं, इसको समझाइए, ठीक है। अब सपोज करो उसने ये चित्र दे दिया आपको, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि दिया गया ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई है, जहां शीर्षों का समुच्च वी पूरा लिखेंगे आप, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर और वी फाइव है। समुच्चय V को दो समुच्चयों V1 और V2 में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। अब वो विभाजन आपको देखना पड़ेगा कि ये इसकी पहली शर्त, जो दूसरी शर्त है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि V1 और V3 के बीच में कोई भी कॉर नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से ये साफ नजर आ रहा है V2, V4 और V5 इनके बीच में भी कोई भी कॉर नहीं है, तो यहां आसानी से चीजें दिख रही हैं अपने को कि समुच्च V1 तो अपन क्या फॉर्म कर लेंगे V1 V3 और समुच्च V2 क्या फॉर्म कर लेंगे V2 V4 V5, ठीक है। और फिर अपन कहेंगे कि ग्राफ में प्रत्येक कॉर समुच्च V1 के किसी शीर्ष से समुच्च V2 के किसी शीर्ष को संबद्ध कर रही है, V1 के शीर्षों के मध्य कोई कॉर नहीं है और V2 के शीर्षों के मध्य भी कोई कॉर नहीं है, इसलिए दिया गया ग्राफ क्या है, द्विखंडी ग्राफ है। ये इसको समझाने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। अब एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं अपन, तो एग्जाम्पल के साथ लिख दो आप कि निम्न ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई एक द्विखंडी ग्राफ है। चित्र बना लो बेटा पहले, फिर इसके बाद लिखो आप चूंकि यहां, क्योंकि यहां शीर्षों के समुच्च, क्योंकि यहां शीर्षों के समुच्च वी को तो असंयुक्त समुच्चयों, दो असंयुक्त समुच्चयों कैपिटल V1 बराबर V1 कॉमा V3 तथा V2 बराबर V2 V4 V5 में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है कि, इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है कि V1 के किन्हीं भी दो समुच्चयों, V1 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य, किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कॉर नहीं है, कोई कॉर नहीं है तथा V2 के भी किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कॉर नहीं है, लिख लोगे, तथा V2 के भी किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कॉर नहीं है, तथा V2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कॉर नहीं है,
तथा v2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोण नहीं है और ग्राफ जी में प्रत्येक कोण समुच्चय v1 के किसी शीर्ष को समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से संबद्ध करती है तथा ग्राफ जी में प्रत्येक कोण समुच्चय v1 के किसी शीर्ष से समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से संबद्ध है ठीक है तो ये जो है त्रिखंडी ग्राफ की परिभाषा है विद एग्जांपल ठीक है समझ में आ गया बेटा चित्र है कि कोई भी ग्राफ सरल ग्राफ द्विखंडी ग्राफ कब कहलाएगा जब उसके शीर्षों के समुच्चय को अपन दो असंयुक्त समुच्चयों में विभाजित कर देंगे और दोनों असंयुक्त समुच्चयों में क्या चीज होनी चाहिए कि उनके बीच में पहले असंयुक्त समुच्चय में कोई कोर नहीं होनी चाहिए दूसरे भी समुच्चय में कोई कोर आपस में संबंध नहीं होनी चाहिए और यदि कोई कोर है तो वो पहले से दूसरे में लिंक होनी चाहिए ठीक है ये द्विखंडी ग्राफ की परिभाषा है अब अपन ने यहां पर एक वर्ड लिखा है किसी जब पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की परिभाषा होगी तो वो किसी वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रत्येक में बाकी परिभाषा सेम रहेगी अब जैसे मैं इसी ग्राफ को पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा ये जो समुच्चय v1 है इसके अवयव v1 v3 है इनके मध्य तो अभी भी वही शर्त है कि कोर नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार समुच्चय v2 के किन्हीं भी शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं होनी चाहिए लेकिन समुच्चय v1 का प्रत्येक शीर्ष में पहला शीर्ष ये ले रहे हैं अपन समुच्चय v2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध होना चाहिए वहां किन्हीं वर्ड था और यहां क्या आ जाएगा प्रत्येक अब ये चीज यहां है यहां है यहां भी अगर हो गई तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा अब पूर्ण द्विखंडी ग्राफ ठीक है क्या अंतर है द्विखंडी ग्राफ और पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में वहां तो समुच्चय v1 का कोई शीर्ष समुच्चय v2 के कोई शीर्ष से संबद्ध होता है लेकिन यहां समुच्चय v1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय v2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध होना चाहिए तो द्विखंडी ग्राफ को पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह चीज आपको समझ में आ गई अब इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन ठीक है परिभाषा क्या है तो कि परिभाषाएं पूछी जाती है बेटा टिप्पणी की फॉर्म में ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखिए आप पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ देखो माना g बराबर v कॉमा e एक सरल ग्राफ है माना g बराबर v कॉमा e एक सरल ग्राफ है ठीक है जिसमें शीर्षों के समुच्चय v को जिसमें शीर्षों के समुच्चय v को दो असंयुक्त समुच्चयों v1 तथा v2 में इस प्रकार विभाजित
किया जाता है कि समुच्चय V1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक, इस प्रत्येक को अंडरलाइन करना है दोनों जगह, वहां किन्हीं को अंडरलाइन करना है, ठीक है। समुच्चय V1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध है। अब समुच्चय V1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध है, तो V2 का प्रत्येक शीर्ष भी क्या होगा, V1 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध है, तो उसको लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। तो वो कह रहा है समुच्चय V1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध है, तथा समुच्चय V1 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है। इसी प्रकार समुच्चय V2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, ठीक है। ये तो अपन लिखेंगे क्या, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की परिभाषा में, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। फिर इसके बाद लिखो आप पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को, नेक्स्ट पैरा बदलना बेटा, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को KMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को KMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, जहां M तथा N, जहां M तथा N क्रमशः असंयुक्त समुच्चयों V1 तथा V2 में अवयवों की संख्या है। ठीक है, जहां M तथा N क्रमशः असंयुक्त समुच्चयों V1 तथा V2 में अवयवों की संख्या है, ठीक है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KMN में M प्लस N शीर्ष तथा M इंटू N कोरें होती हैं, ठीक है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की एम एन में एम प्लस एन शीर्ष तथा एम इंटू एन कोरें होती हैं। फिर आप लिखेंगे पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के टू टू, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K23 लिखा है उन्होंने, तो K23 लिख लो, K23, K24, K33, तथा K44 को निम्न प्रकार दर्शाया गया है,
पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33, K23, K24, K33, K44 को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। अब चित्र बना लो। अब K23 में आप चाहो तो दो शीर्ष ऊपर और तीन शीर्ष नीचे, ठीक है। फिर आप कैसे खींचेंगे, इसका प्रत्येक शीर्ष आपस में संबद्ध होना चाहिए। नीचे क्या लिख देंगे, K23। उल्टा भी कर सकते थे, टू नीचे ले लेते, थ्री ऊपर ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। या साइड में भी है कई बुकों में, जैसे मैंने वो वाला पहला ग्राफ बनाया था तो टू इधर है, थ्री इधर है, फिर टू से वो खींच गए। फिर K24 K23 में देखो कितने शीर्ष हो गए, पांच, और कौर कितनी हो गई, देखो 2 × 3, क्योंकि काम आएगा अभी ये फार्मूला आगे एक आध जगह, 2 × 3 छह हो गई ना, ठीक है। और K33 तो अपन ने पहले ही बना रखा है, ज्यादा कोई ऐसे पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें, इसमें सिंपल ही बनाना है, ठीक है। और K44 बना लोगे, चार शीश। एक एक करके लेना शीश, नहीं तो कोई रह जाएगा। ज्यादा ही हो गया इसमें तो खिच खिच, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ज्यादा घिचपिच हो गई, कोई बात नहीं, है तो सही ना, ये बनेगा जो बनेगा। K44 में कितनी कोर आनी चाहिए, 16, तो 16 ही होंगी, तो ज्यादा उसके चक्कर में नहीं है। आप एग्जाम्पल दो तो K33 का दे दो या K23 का दे दो, मैंने तो बना के बता दिया आपको, ठीक है। K22 का दे दो, सिंपल है वो भी, K33 का दे दो, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना। जो चीज अब देखो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए बुक में, तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप कोशिश करना, मैं एक आध उनमें से ले रहा हूं कि निम्नलिखित ग्राफ, जैसे एक ग्राफ दिया इन्होंने, V1, V2, V3, V4 और V5, तो ये ग्राफ क्या है, कैसा ग्राफ है, द्विखंडी ग्राफ है या पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप दिया हुआ ग्राफ G=V, E है, जहां V = क्या है, V1, V2, V3, V4, V5 है। अब आप कैपिटल V1 को क्या मान सकते हैं, यहां स्मॉल V1, और V2, V3, V4 और V5 को एक अलग समुच्चय मान लो, ठीक है। अब V1 यूनियन V2 क्या हो जाएगा, V, और V2 के कोई भी अवयवों के बीच में कोई कोर नहीं है, और V1 का जो अवयव है स्मॉल V1, उससे प्रत्येक अवयव जुड़े हैं V2 के, इसलिए पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, ठीक है। तो आप लिखो, माना कि G=V, E दिया गया ग्राफ है, जहां
कैपिटल V इज इक्वल टू वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव है। अब हम V को दो असंयुक्त समुच्चयों V1 तथा V2 में निम्न प्रकार विभाजित करते हैं। लैंग्वेज आप अपनी इच्छा से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, सही होनी चाहिए। कैपिटल V1 बराबर स्मॉल V1, और V2 इज इक्वल टू V2, V3, V4 और V5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समुच्च V2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, समुच्च V2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, और समुच्च V2 का प्रत्येक शीर्ष समुच्च V1 के शीर्ष स्मॉल V1 से संबद्ध है। समुच्च V2 का प्रत्येक शीर्ष समुच्च V1 के शीर्ष, ये थोड़ा सा कैपिटल बना लेना, स्मॉल V1 से संबद्ध है। अतः दिया गया ग्राफ पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है। अतः दिया गया ग्राफ क्या है? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है। अतः दिया गया ग्राफ पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है। इसी तरह से एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं, वी वन वी टू वी थ्री और वी फोर, ठीक है। अब इसमें वी थ्री वी टू से इन्होंने वी थ्री को लिंक किया है, वी वन से वी फोर को लिंक किया है, और फिर एक और शीर्ष डाला है वी फाइव, और एक और शीर्ष इधर है वी सिक्स, वी फोर से वी फाइव और वी थ्री से वी सिक्स, वी फोर से फिर वी सिक्स और वी थ्री से वी फाइव। तो चित्र कई बार हार्ड भी लगे तो ये नहीं कि अपन कोशिश ही छोड़ दें, अपन कोशिश करो। उसमें सबसे पहले तरीका जो बताया, कैपिटल वी मानो, ठीक है। कैपिटल वी क्या हो जाएगा? वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स। वी को दो भागों में तोड़ो, ठीक है, वी वन और वी टू दोनों का यूनियन वी होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, शर्त यह। अब देखो दूसरी पहली शर्त तो यह लगा दी कि वी वन इंटरसेक्शन वी टू फाई होना चाहिए, कोई एलिमेंट कॉमन उनमें नहीं होगा। अब वी वन के एलिमेंट अपन क्या ले सकते हैं? एक तो वी वन वी टू ले लें, एक वी फाइव वी सिक्स ले लें। वी वन वी टू वी फाइव वी सिक्स, क्योंकि ये तो लेने ही पड़ेंगे, इनके बीच में कोई कोर नहीं है। तो वी वन वी टू वी फाइव वी सिक्स, तो आप क्या लिखते हो? V बराबर वी वन यूनियन वी टू इज इक्वल टू वी वन से लेके वी सिक्स है। फिर कैपिटल वी वन बराबर क्या है? वी वन वी टू वी फाइव वी सिक्स है, और वी टू कितना है बचा हुआ? बचा हुआ कौन है?
V3 और V4। अब V3 और V4 के बीच में पहले तो ये देख लो कोई कॉर्न नहीं है। V3 जो है V1 से जुड़ा है क्या? देखो अब जुड़ा है, एक एक लेके चलो। V3 V2 से जुड़ा है, चित्र से देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहां से चलो आप V3 V5 से, V3 V6 से, शर्त पूरी हो गई V3 की। V4 V5 V4, तो लिख लोगे आप कि दिया गया ग्राफ क्या है? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है, क्योंकि यहां शीर्षों के समुच्च V को दो संयुक्त समुच्चयों V1 तथा V2 में इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि V1 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, V2 के भी किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, और V1 का प्रत्येक शीर्ष V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबद्ध है। लिख लोगे अपने आप, ठीक है? तो इस तरीके के ग्राफ आपको पकड़ में आ गए आप कि कौन सा द्विखंडी है और कौन सा पूर्ण द्विखंडी है, और उनको थोड़ा सा आप, क्योंकि मैंने पहले बताया एग्जाम में जैसे क्वेश्चन किताब से नहीं आया और दूसरा आ गया, हालांकि कमी आते हैं लेकिन आ गया, तो ये नहीं सरेंडर कर दिया। आप शीर्षों का समुच्चय लिखो, शीर्षों के समुच्चय के बाद दूसरी शर्त क्या देखोगे आप, कहां से पकड़ में आएगी कि उन दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं होनी चाहिए, वो चीट लो, जैसे यहां साफ सिरे समझ में आ रहे थे, वो शर्त सबसे पहली होनी चाहिए। वो एक वो बना लो शीर्षों का समुच्चय, दूसरा जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिक बनाओ और उनको आपस में मिलाओ, ठीक है? अब इसके ऊपर एक थ्योरम है बेटा, ये कई बार आती है एग्जाम में कि प्रदर्शित कीजिए कि, छोटी सी थ्योरम है ग्राफ थ्योरी में, अब ये थ्योरम चालू होंगी बेटा जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे। प्रदर्शित कीजिए कि यदि किसी द्विखंडी ग्राफ जी बराबर वी कॉमा ई में एन शीर्ष हैं तो इसमें n²/4 से अधिक कोरें नहीं हो सकती। बहुत ही मोस्ट थ्योरम है, ठीक है, कि कोई भी द्विखंडी ग्राफ है जिसमें कितने शीर्ष हैं, एन द्विखंडी, पूर्ण द्विखंडी भी ले सकते हैं अपन, लेकिन वर्ड उसने यूज किया है द्विखंडी की फॉर्म में। अब अपन जानते हैं कि अगर पूर्ण द्विखंडी ग्राफ होगा तो डेफिनेटली उसकी जो कोरे हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए, भाई द्विखंडी में तो कुछ कम हो सकती है, वो तो द्विखंडी में पूछ रहा है कि n²/4 से अधिक कोरे नहीं हो सकती, तो अपन पूर्ण द्विखंडी लेके चलते हैं, ठीक है, और उसकी कोरे जो होंगी वो मैक्सिमम होंगी, और उसी में अगर मैक्सिमम कोर अपन ये बता दें कि n²/4 से अधिक नहीं हो सकती, तो वो द्विखंडी के लिए भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी चीज, ठीक है। तो आप लिखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, हम जानते हैं कि, अपन ने पूर्ण द्विखंडी क्यों लिया बेटा, तो उसमें मैक्सिमम कोरें होंगी, हम जानते हैं कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KPQ में P+Q शीर्ष तथा P×Q कोरें होती हैं, अभी बताया आपको, ठीक है। शीर्ष कितने दिए इसमें, n, ठीक है, तो अब आप क्या लोगे, अतः P+Q = n, ठीक है। अब अगर P और Q का मान आ जाए अपने पास तो कोरों का गुणनफल P×Q आ जाएगा, अगर P और Q का मान अपने पास आ जाए तो कोरों का गुणनफल क्या आ जाएगा, P×Q।
अब मैं आपसे कहता हूं कि p प्लस क्यू बराबर एन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के? अगर इन जनरल वे में मैं तुमसे कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन है, तो x का मान क्या हो सकता है 10, y का मान क्या हो सकता है 0, ठीक है? फिर 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, ठीक है? सॉल्यूशन तो बहुत होंगे लेकिन अपने को n से कम ही लेने हैं, n का मान जो है वही है बस मैक्सिमम अपने लिए, ये मान लो। अब वो ये कह रहा है कि आप 9 और 1 को गुणा करो तो 9, 8 और 2 को गुणा करो तो 16, 7 और 3 को गुणा करोगे तो 21, 6 और 4 को और 5 और 5 को, तो गुणनफल मैक्सिमम कब आया? जब P और Q का मान बराबर है। अपने को गुणनफल मैक्सिमम चाहिए P इंटू क्यू, और वो मैक्सिमम कब आ रहा है? जब P और Q का मान, और अगर इस इक्वेशन में P प्लस क्यू बराबर एन है तो गुणनफल मैक्सिमम कब आएगा? जब P का मान क्या हो, बोलो, N बाई टू, Q का मान भी क्या हो, N बाई टू, तो उनका गुणनफल मैक्सिमम क्या होगा? N स्क्वायर बाई 4। अब इस चीज को कैसे लिखते हैं वो देखो, आप नंबर थ्योरी में पढ़ाते हैं तो उसी चीज को आप देखिए कि यदि हम यह जानते हैं कि, लिखो, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम होता है जब कि संख्याएं बराबर होती हैं, जबकि संख्याएं बराबर होती हैं। अतः यदि हम P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन बाई टू लें, तब पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के n बाई टू कॉमा एन बाई टू में कोरों की संख्या इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू एन बाई टू बराबर एन स्क्वायर बाई 4 है, जो कि महत्तम है, ठीक है? तब पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के एन बाई टू कॉमा एन बाई टू में कोरों की संख्या एन स्क्वायर बाई 4 है, जो कि महत्तम है। अतः एन शीर्षों वाले किसी भी द्विखंडी ग्राफ में कोरों की संख्या एन स्क्वायर बाई 4 से अधिक नहीं हो सकती। लिख दो, अतः एन शीर्षों वाले किसी भी द्विखंडी ग्राफ में कोरों की संख्या एन स्क्वायर बाई 4 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, बस।